कवि सम्मेलन की विधिवत शुरुआत करें। आप के आदेश से, आप ही का आदेश चाहिए, और आदेश कैसे देना है आपके हाथ में है, आदेश दो। हाँ बस ठीक। मैं अपना, ये एक मुश्किल होती है कि किधर से शुरुआत करें। ये संचालक के सामने एक असमंजस की स्थिति होती है, किसको पहले पढ़वाया जाए। मैं पहला कवि खर्च कर रहा हूँ, एक एक हीरा मेरे सामने मौजूद है, तो इनके लिए इतना ही कह सकता हूँ बस कि अपने शब्दों से महफिल को सजा देता है। देखने में पौवा है पर बोतल का मजा देता है। आप देखिए, आप, मैं आवाज़ देता हूँ। भाई सावन शुक्ला जी हमारे बीच अहमदाबाद से आए हैं, अहमदाबाद गुजरात। जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत कीजिए, कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो। संतोष भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, गुलशन सर और आप सब लोगों से परमिशन लेकर के दो मिसरे शुरुआत करता हूँ कि कहाँ से ढूंढ के लाऊं पुराने ख्वाब आँखों में। कहाँ से ढूंढ के लाऊं, कहाँ से ढूंढ के लाऊं पुराने ख्वाब आँखों में। कोई मंजर नहीं टिकता मेरी सहराब आँखों में। भाई वाह वाह वाह। कोई मंजर नहीं टिकता मेरी सहराब आँखों में। झुका करके ही रखना तुम तुम्हारी बोलती पलकें, झुका करके ही रखना तुम तुम्हारी बोलती पलकें, कहीं दुनिया न पड़ ले इश्क के आदाब आँखों में। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। झुका करके ही रखना तुम तुम्हारी बोलती पलकें, कहीं दुनिया न पड़ ले इश्क के आदाब आँखों में। दफा कर इश्क का चर्चा कहीं तू भी न बह जाए, दफा कर इश्क का चर्चा कहीं तू भी न बह जाए। अभी तो बांध के रखे हैं सब सैलाब आँखों में। वाह भाई वाह वाह भाई, अभी तो बांध के रखे हैं सब सैलाब आँखों में। न नींदें थी न आंसू थे न खुशियां थी मगर तू था, न नींदें थी न आंसू थे न खुशियां थी मगर तू था, कि अब तू भी नहीं आता है इन बेख्वाब आँखों में। भाई वाह वाह, अब तू भी बढ़िया, कि अब तू भी नहीं आता है इन बेख्वाब आँखों में। किसी भी आईने में अब मेरा चेहरा नहीं मिलता, किसी भी आईने में अब मेरा चेहरा नहीं मिलता, मेरा चेहरा निकलता है उन्हीं बेताब आँखों में। क्या बात है भाई वाह, बढ़िया बात कही। शुक्रिया। एक गजल के स्वागत, ज्यादा दाद उस तरफ से आ रही है तो उसी तरफ वाली गजल। हाँ उधर ही जाने दो, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब न्यूट्रल मोड पे है। ये मनमोहन सिंह मोड पर है। सही है। डूब मरने की हुई बात जवानी के लिए, भाई उस तरफ के लिए ये शेर। डूब मरने की हुई बात जवानी के लिए, मैकदा छोड़ के आना पड़ा पानी के लिए। भाई वाह वाह वाह, मैकदा। डूब मरने की हुई बात जवानी के लिए, मैकदा छोड़ के आना पड़ा पानी के लिए, मुझको ढलना ही पड़ा उसमें मिटाकर खुद को। मुझको ढलना ही पड़ा उसमें मिटाकर खुद को, उसका किरदार जरूरी था कहानी के लिए। वाह भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया। मुझको ढलना ही पड़ा उसमें मिटाकर खुद को, उसका किरदार जरूरी था कहानी के लिए। और एक शेर फिर वहीं। ये इरादा भी है, सौदा भी है, ख्वाहिश भी है,
ये इरादा भी है, सौदा भी है, ख्वाहिश भी है, कोई एक रात मिले दुश्मने जानी के लिए। वाह वाह, शुक्रिया। वाह वाह वाह, शुक्रिया। ये इरादा भी है, सौदा भी है, ख्वाहिश भी है, कोई एक रात मिले दुश्मने जानी के लिए। मार्का हिफ्ज का रखने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, मार्का हिफ्ज का रखने की ज़रूरत क्या है? मेरा एहसास ही काफ़ी है निशानी के लिए। वाह भाई, वाह वाह वाह, शुक्रिया। मेरा एहसास ही काफ़ी है निशानी के लिए। बस बस, फिर से उस तरफ मेरा इशारा। भाई इस तरफ से अगर आवाज़ आएगी तो इस तरफ के लिए भी शायरी आएगी कि मुझ में कोई तुम जैसा नहीं था, जब मुझ में कोई तुम जैसा नहीं था, परेशान था मगर इतना नहीं था। अच्छा, परेशान था मगर इतना नहीं था, तुम्हारे इश्क के हाथों से मरने, तुम्हारे इश्क के हाथों से मरने हमें आना पड़ा, आना नहीं था। वाह वाह वाह, तुम्हारे इश्क के हाथों से मरने हमें आना पड़ा, आना नहीं था। सर अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत माल है इस तरफ वालों के लिए भी। वाह, फिर ठीक है उस तरफ ही जाएगा एक और कि गजब जलवा नुमा था वसल उसका, गजब जलवा नुमा था वसल उसका, अभी तक सोचता हूँ था नहीं था, अभी तक सोचता हूँ था नहीं था। और फिर से एक शेर उस तरफ खास के, वहीं से जिस्म उसका कांपता था, वहीं से जिस्म उसका कांपता था, जहां पर मैं उसे छूता नहीं था। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छा।